sunset slow. Hey, you know you should stay for the night. What you think? One more drink while we sit by the bonfire. Welcome to this vlog. आज मेरे साथ हैं अभिजीत सूद. ये मेरा बहुत ही पुराना दोस्त है. हम लोग एक तरीके से बैचमेट है. हम लोगों ने अपनी मर्चेंट नेवी की जर्नी प्रीटी मच एक साथ स्टार्ट करी है और हम लोग के प्रमोशन वगैरह सब कुछ साथ में हुए हैं. ऑलमोस्ट 20 इयर्स इसको भी हो गए, मुझे भी हो गए. ये भी मास्टर है, बट एक फ़र्क है, मैंने हमेशा कंटिन्यू करी सेलिंग और इसने लास्ट 6 महीने में क्रूइंग मैनेजर का जॉब किया क्रूइंग डिपार्टमेंट में. अब क्रूइंग डिपार्टमेंट वो होता है जो सेलर्स को लेके आता है, जो हायर करता है, जो इंस्टीट्यूट से, मरीटाइम इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग सेंटर से लोगों का इंटरव्यू लेते हैं, उनको सेलेक्ट करते हैं अपनी कंपनी में. वही नहीं, एक्सपीरियंस लोगों को भी सेलेक्ट करते हैं. अगर सडनली यू नीड मोर मास्टर चीफ ऑफिसर, तो ये जो फ्लीट पर्सनल डिपार्टमेंट जो बोलते हैं या क्रूइंग डिपार्टमेंट बोलते हैं, मैनिंग डिपार्टमेंट बोलते हैं, तो इसमें उसने 6 महीने काम किया हुआ है. हेलो, सो जैसे सुनील ने बताया, माय नेम इज़ अभिजीत सूद और मैं सेलिंग मास्टर हूँ. बेसिकली मैंने शोर जॉब्स किए, पहले QMS डिपार्टमेंट में जो क्वालिटी मैनेजमेंट, और अभी फ्लीट पर्सनल में. जिस वीडियो हम बना रहे हैं, थोड़ी आपको नॉलेज देने के लिए और हमारा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए कि कैसा था. दोस्तों, मेरा पहला सवाल अभिजीत के लिए है कि भाई ये बता कि क्रूइंग डिपार्टमेंट किसी भी शिपिंग कंपनी का काम कैसे करता है. क्रूइंग डिपार्टमेंट बोल लो, क्रूइंग डिपार्टमेंट में भी 3-4 डिपार्टमेंट्स होते हैं. एक होता है जो एक्चुअल क्रूइंग डिपार्टमेंट है, जो क्रू रेटिंग्स को एम्प्लॉय करता है. एक होता है जो जूनियर ऑफिसर्स के लिए एम्प्लॉयमेंट देखता है, एक सीनियर ऑफिसर्स. उसमें भी इन दैट डिपार्टमेंट ऑल्सो देर इज वन डिपार्टमेंट जो सोर्सिंग बोलते हैं, जो मेन काम है सोर्सिंग का. नाउ दैट सोर्सिंग में जो होते हैं, दे आर ऑल्सो एक्स मरीनर्स. दे आर फ्रॉम द सिमिलर बैकग्राउंड ऑफ वॉट पीपल दे आर गोइंग टू रिक्रूट. जैसे चीफ इंजीनियर्स हैं, दे आर गोइंग टू सोर्स इंजीनियर्स. देर आर मास्टर्स हु आर गोइंग टू सोर्स मास्टर्स और डेक ऑफिसर्स फॉर एग्जाम्पल. एक हो गया आपका रेटिंग्स डिपार्टमेंट, एक जूनियर ऑफिसर्स, एक सीनियर ऑफिसर्स, सीनियर इंजीनियर. उसमें सोर्सिंग और फिर एक पॉड मैनेजर बोल लो या FPD सुपरिटेंडेंट, फ्लीट पर्सनल डिपार्टमेंट सुपरिटेंडेंट, जिसका काम मैं करता था. जो सुपरिटेंडेंट का काम है या जो मैनेजर का काम है, वो है जो सोर्सिंग से जो लोग आते हैं रिक्रूट होके आफ्टर देयर इंटरव्यूज, आई हैव टू डू द फाइनल स्क्रीनिंग. उस स्क्रीनिंग के बाद मैं देखता हूँ ये जो CV है मेरे सामने और ये जो बंदा है, ये कौन से शिप पे फिट आएगा. मेरे पास सपोज आई हैव फॉर एग्जाम्पल 30 ships, तो उन 30 ships एक सिमिलर टाइप के होते हैं, जैसे पेट्रोकेम टैंकर्स हैं, तो सारे पेट्रोकेम टैंकर्स होंगे. तो मुझे सिर्फ वही कैंडिडेट्स का सामने आता है मेरे स्क्रीनों के जो पेट्रोकेम एक्सपीरियंस है, जिनके पास उनका सर्टिफिकेशन है. नाउ लुकिंग एट देयर एक्सपीरियंस, लुकिंग एट देयर प्रोफाइल, वो किस शिप पे जाएंगे, और मेट्रिक्स पेट्रोकेमिकल टैंकर्स और पेट्रोलियम टैंकर्स, ऑयल टैंकर्स पे मेट्रिक्स बहुत बड़ा मैटर करता है, नॉट ओनली फॉर सीनियर्स, नाउडेज जूनियर्स ऑल्सो. एंड एट द सेम टाइम सुपरिटेंडेंट का जॉब है टू लेयर्स या फिर टू कम्युनिकेट विद द एजेंट्स, विद द ओनर्स, विद द चार्टरर्स, विद द शिप, टू इंश्योर स्मूथ एम्बार्केशन एंड डिसएम्बार्केशन ऑफ पीपल ऑन शिप. तो ट्रैवल डिपार्टमेंट इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. हम वी हैव टू वर्क वेरी क्लोजली विद द ट्रैवल डिपार्टमेंट. हमारा जो मेन फोकस है दैट ट्रैवल शुड बी स्मूथ. देर शुड नॉट बी एनी हिकअप्स, देर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम्स इन शिप डिले, शिप शुड नॉट गेट डिले ड्यूरिंग क्रू चेंज. ये सब एक सुपरिटेंडेंट का काम है जो ट्रैवल डिपार्टमेंट के साथ, एजेंट्स के साथ कम्युनिकेट करके इंश्योर करता है. सो बेसिकली ये बोल रहा है कि इनके पास एक गोदाम होता है जिसमें सारे सेलर्स होते हैं, और उसमें से किसको कौन से शिप में फिट बैठेगा, किसको कहाँ प्लेस करना है. इसने जो मैट्रिक्स बोला, मैट्रिक्स में शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि चीफ ऑफिसर और मास्टर के बीच में 36 months का सेलिंग टाइम होना चाहिए. अगर मास्टर नया है तो ऐसा नहीं कि आप नया चीफ ऑफिसर डाल दो उसके साथ में. एक्सपीरियंस मतलब टोटल मिला के ना 36 होना चाहिए. जूनियर ऑफिसर्स के लिए कहीं पे 12 मंथ्स होता है, कहीं पे किसी ऑयल मेजर का 24 मंथ्स होता है. तो वो सारी चीज़ें मैच करना इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. और एक चीज़ जो इसने नहीं बताई, जो क्रू को ज्वाइन करवाता है उनका फ्लैग डॉक्यूमेंट, उनका सर्टिफिकेशन, ये सब भी इनका काम होता है कि ऑफिस में वेरीफाई करें. ऑब्वियसली जब शिप में जाता है तो मास्टर भी चेक करता है, कुछ मिसिंग चीज़ें होती है तो बताता है. अब एक जो हमारे प्लान में क्वेश्चन नहीं था, तुम्हारे लिए मेरे पास है ट्रिक क्वेश्चन. ऑलवेज. हाँ, तो वो ट्रिक क्वेश्चन ये है कि तुम लोग ने कोविड में सबका साइन ऑफ, सारे सेलर्स को इतना परेशान किया, टाइम पे घर नहीं आने दिया, बीवी रो रही है, बच्चे चिल्ला रहे हैं, तो तुमने ऐसा क्यों किया? हमने नहीं किया. क्यों?
हम तो करना भी नहीं चाहते. ये कोविड ने बहुत बड़े चैलेंजेस दिए हमें. फ्लीट पर्सनल डिपार्टमेंट या क्रूइंग डिपार्टमेंट इज एनीवेज नॉट एन इजी डिपार्टमेंट टू वर्क. इतने सारे वेरिएबल्स हैं, शिप का शेड्यूल, फ्लाइट का शेड्यूल, पर्सन अवेलेबिलिटी, हिज फिटनेस, ऑल ऑफ दिस हैज़ टू बी टेकन केयर ऑफ. ऊपर से ये कोविड, कोविड 19 ने सबसे बड़ा प्रॉब्लम किया, फ्लाइट्स वर टोटली डिस्टर्प्टेड. फ्लाइट शेड्यूल्स वर नॉट देयर, बहुत ही कम फ्लाइट्स, चार्टर्ड फ्लाइट्स, बहुत ही हाई प्राइसेस पे फ्लाइट्स मिल रही हैं. वी हैड टू गो ओवर बजट जस्ट टू कनेक्ट पीपल एंड टू सेंड देम होम. वी हैड टू गो ओवर बजट, ओनर्स का अप्रूवल, ऑल द स्टेक होल्डर्स, जितने भी अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं एक शिप को लेके, वो सब कंसर्न हो गए थे क्रू चेंज के बारे में. नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में क्रू चेंज हैपेंस ड्यूरिंग पोर्ट स्टे, इट गोज, इट्स ऑल डन, इट्स ऑल अंडरस्टूड. इस बार क्या होता है, कोविड के वजह से कोविड स्क्रीनिंग पहले होती है, क्वारंटीन होता है, होटल में रखो उसको, उसके बाद उसको शिप पे भेजो. शिप पे कई बार वो जब पहुंचता है, ऑल दो हम सारे प्रोटेक्शंस लेते हैं, कई बार एक कोविड पॉजिटिव केस पहुंच जाता है. अगर वो हो गया तो शिप को डाइवर्ट करो, सबका फिर से क्वारंटीन चेक करो, इट बिकम्स अ बिग हेडेक. तो इस वजह से हमारा क्रूइंग डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो गया था. वी वर फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट टू प्लेस पीपल ऑन शिप एंड सेंड देम होम. कोई भी मैनेजिंग डिपार्टमेंट में ये नहीं चाहता है कि शिप पे लोग अपने कॉन्ट्रैक्ट से ऊपर रहे, हमारा ही वर्कलोड बढ़ता है. बट बिकॉज ऑफ दिस कोविड वी वर ऑल्सो हेल्पलेस, इट इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल, सो सॉरी फॉर दैट, बट वी कैन नॉट हेल्प इट. या दोस्तों, मेरी इससे पहले भी इस टॉपिक पे बात हुई थी, तो इसने मेरे को ये बताया कि यार हम भी नहीं चाहते कि मास्टर का ओवरड्यू हो जाए या जहाज पे लोग ओवरड्यू हो जाए, क्योंकि फिर वो दिन रात फोन करते हैं. ये भी चाहते हैं कि टाइम पे क्रू चेंज हो ताकि हमारा भी काम खत्म हो. अगर एक शिप का क्रू चेंज हो गया तो वो भी रिलैक्स है कि हाँ यार इसका हो गया, अब तीन महीने तक इस जहाज को देखने की जरूरत नहीं है. तो क्रू चेंज को डीले करके क्रूइंग डिपार्टमेंट का कोई फायदा तो नहीं होता, क्योंकि उनका ही काम पेंडिंग रहता है और काम बढ़ता है. तो ये चीजें हमें सेलिंग साइड में रह के ना हमें समझ में नहीं आती. तो यार अभिजीत, तूने मास्टर में सेलिंग कर ली, अभी तूने क्रूइंग मैनेजर में काम कर लिया, तो तेरा वर्कलोड कैसा था ये छह महीने? कोविड के कारण बहुत ज्यादा बढ़ गया. जो लोग इस इंडस्ट्री में पिछले 40-50 साल से भी शोर जॉब में काम कर, जो वेटरन्स हैं हमारी इंडस्ट्री के, इस डिपार्टमेंट के, उन्होंने भी बोला कि ऐसा टाइम उन्होंने कभी नहीं देखा. मतलब हमारे तो वो बोलते हैं खून के आंसू. मेरे डिपार्टमेंट में लोग तो खून के आंसू रोते थे, बिकॉज जब चार्टर्ड फ्लाइट्स थी तो हमें लोगों को एक साथ इकट्ठा करके एक फ्लाइट में भेजना है, और एक एक सीट के लिए हमारी बुकिंग के लिए वी यूज टू फाइट. रात रात को 12-1-2 बजे तक लोग जागे रहते थे कि किसी तरह लोगों को स्मूथली शिप पे कनेक्ट करें. एनीवेज, एज आई सेड, बहुत ही चैलेंजिंग डिपार्टमेंट है, क्योंकि टू हैंडल पर्सन्स, टू हैंडल मैन पावर इज नॉट एन ईजी जॉब. दिस वर्ड पॉजिटिव हमारे लिए बहुत ही ज्यादा नेगेटिव हो गया. हम पॉजिटिव वर्ड सुनते थे, हमारी नींद उड़ जाती थी कि कोई कोविड पॉजिटिव हो गया. सो वर्कलोड उसके वजह से डबल हो जाता था. हमें दो तीन लोग स्टैंड बाय रखने पड़ते थे एक ही रैंक के. मतलब फैमिली के लिए कोई टाइम नहीं, पूरा टाइम फोन बज रहा था. हाँ, लैपटॉप पे रहना पड़ता था, वीकेंड्स भी बिजी जाते थे. हाँ, वो देखिए हो रहा था. हाँ, वो का डिपेंड करता है जो काम कर रहे हो कैसे मैनेज कर रहे हैं. ऑफकोर्स, क्योंकि वर्कलोड ज्यादा है, सबको ज्यादा है. और मैं उस टाइम पे ज्वाइन किया जब सेकेंड वेव वॉज एट पीक. मुझे प्रीवियस नॉर्मल वर्किंग एक्सपीरियंस इतना था नहीं. जो पहले से भी एक्सपीरियंस थे उस डिपार्टमेंट में, वो लोग भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो गए. इसको मैं अच्छे से जानता हूँ, इसको सेलिंग बहुत पसंद है. यू नो, सेलिंग से आके अपना फुर्सत में आराम से मैच देखो, पड़े रहो, जिम कर लो, गेम खेलना, क्रिकेट खेलना, ये सब चीज़ें इसको पसंद है. बट कोविड टाइम में इसे लगा कि यू नो रिस्की भी है ट्रैवल करना, और ऑप्शन था इसके पास. यू नो सेलिंग का यही फ़ायदा है कि आपके पास हमेशा बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, एंड फाइनेंशियली भी आप काफ़ी इंडिपेंडेंट होते हैं, तो आपको वो सब चीज़ों की टेंशन नहीं है. तो इसने वो काम कर लिया. अब इसके मुंह से हम निकालेंगे कि भाई ये बताओ, शोर जॉब के बेनिफिट्स क्या थे, अच्छी बातें क्या लगी है छः महीने में आपको? शोर जॉब की बेनिफिट देखिए, एक किसी भी फील्ड, किसी भी प्रोफेशन में, मर्चेंट नेवी ले लो, कोई भी शोर जॉब, कोई भी अदर जॉब ले लो, एक नेचुरल प्रोग्रेशन होता है. नेचुरल प्रोग्रेशन मतलब आप एक टाइम के बाद आप एक लेवल पे पहुँचते हो, उसके बाद प्लेटो हो जाता है. प्लेटो मतलब ओके, नाउ आप मास्टर बन गए, आप चीफ इंजीनियर बन गए, यू कैन बी दिस फॉर योर एंटायर रिमेनिंग करियर, और यू वांट टू ट्राई समथिंग एल्स. जरूरी ये नहीं बोलूंगा इट्स अ स्टेप अप और अ स्टेप डाउन, इट इज अ डिफरेंट जॉब. तो बहुत लोग शोर जॉब सिलेक्ट करते हैं. हमें भी, व्हेन मैं भी सेल करता था एज अ चीफ ऑफिसर मास्टर, सुनील की तरह आई ऑल्सो वॉज ब्लेस्ड कि मारी टाइम पे प्रमोशन हो गई, वी वर यंग मास्टर्स. तो हमें शोर से हमेशा ऑफर्स आते थे कि व्हाई डोंट यू कम अशोर, आप आके हमारे साथ काम करो,
देखो शोर पे कैसा है, आपको अच्छा लगेगा। दो तीन बार कंसिडर किया, अब इस बार बिकॉज ऑफ कोविड, क्योंकि फैमिली सेलिंग मुश्किल है और चैलेंजेस हैं ट्रैवल में, शिप पे भी लाइफ इज नॉट ईजी, यू कैन नॉट स्टेप अशोर। तो मैंने बोला कि बिकॉज आई एम गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी, मैं ट्राई करता हूँ। अब ट्राई किया, इट इज़ अ गुड ऑप्शन। सबका अपना अपना पसंद और नापसंद हो। मैंने काफ़ी सोच समझ के ये डिसीजन लिया अपनी फैमिली के साथ बात करके, एंड इट वॉज अ गुड डिसीजन बिकॉज आई लर्न अ लॉट। मुझे बहुत सीखने मिला, मुझे बहुत लोगों से इंटरेक्शन हुआ, अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स हैं, चार्टर्स वगैरह, उनकी क्या, उनके क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उनके क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। द अदर साइड ऑफ द शिपिंग इंडस्ट्री, सेलिंग इज द मेन पार्ट, और बाकी जो सपोर्ट हम करते हैं शोर पे बैठ के, वो आर मेकिंग श्योर कि शिप सही से चले, उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स। तो बेनिफिट यही है कि आपको, आपका पर्सपेक्टिव बढ़ता है, आपका होराइजन बढ़ता है, आप अलग अलग लोगों से जानते हैं कि इंडस्ट्री में क्या क्या अलग अलग ऑप्शंस हैं ऑफ चेंजिंग योर करियर पाथ। या अब ये जब जाएगा शिप पे एज अ मास्टर, तो इसको बेटर पता है कि यू नो जब इसका साइन ऑफ अगर डिले होगा, होना नहीं चाहिए, टचवुड टाइम पर ही हो, लेकिन अगर डिले होगा तो ये मेल भेजने से पहले सोचेगा, इसको पता चलेगा कि भाई दूसरी तरफ जो बैठे हैं उनकी क्या प्रॉब्लम्स है, जो चीज़ शायद एक मेरे जैसा मास्टर नहीं समझेगा, बिकॉज मैंने कभी शोर जॉब किया ही नहीं, यू नो मैंने सिर्फ एक ही साइड देखा है। नेक्स्ट वन, सबसे ज़्यादा जो मेरे को क्वेश्चंस आते हैं और डीएम्स आते हैं और मेल्स आते हैं कि सर आप मुझे रेफरेंस दे दो, मेरे को जॉब लगवा दो। तो सेलिंग मास्टर तो क्या जॉब लगवाएगा, वो सबको पता है। यू नो अगर कोई ब्लड का रिलेशन में है, जैसे कि खुद का बेटा है और वो क्वालिफाइड है, ही इज़ इक्वली गुड जैसा कैंडिडेट कंपनी देख रही है, तो उसके रेफरेंस से उसका काम हो जाएगा, इतना ही होता है। तो आज हम डायरेक्ट जानेंगे अभिजीत सूद से कि यार तू क्रूइंग मैनेजर था, तो क्या तेरी ऐसी थी मतलब पोजीशन कि तू किसी को भी जॉब पे लगवा सकता था? नहीं 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 नहीं, शॉर्ट आंसर नहीं, शॉर्ट आंसर नहीं। हाँ थोड़ा सा बता दे, क्योंकि नहीं से लोग नहीं से लोग खुश नहीं होने वाले, फिर भी डीएम करें। क्योंकि देखिए इसमें स्क्रीनिंग्स बहुत इन्वॉल्व है। ये एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे यू आर आउट एट सी, यू हैव टू बी फर्स्ट ऑफ ऑल फिट एंड यू हैव टू बी क्वालिफाइड, यू हैव टू बी कॉम्पिटेंट। अगर इनकॉम्पिटेंट या अनफिट लोग शिप पे पहुंच जाते हैं तो दे बिकम अ लायबिलिटी ऑन शिप। जो सीनियर्स है दे फेस अ लॉट ऑफ ट्रबल बिकॉज दे हैव टू नाउ नॉट ओनली लुक आफ्टर देयर जॉब, दे हैव टू मेक श्योर दैट दिस पर्सन इज ओके, काम सही से करे, कहीं वो कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। सो एनीबडी हू गोज ऑन शिप ही इज इंटरव्यूड, उसका जो बेसिक एजुकेशन लेवल है वो मिनिमम क्राइटेरिया शुड मीट। उसके बाद अच्छी अच्छी कंपनीज दे सेंड पीपल, दे सेंड मास्टर्स, दे सेंड चीफ इंजीनियर टू दिस इंस्टीट्यूट टू इंटरव्यू देम। वो इंटरव्यू करते हैं, उनको शॉर्टलिस्ट करते हैं, उसके बाद उनके कोर्सेज होते हैं, उस दौरान उनकी और स्क्रीनिंग होती है, एंड देन दे आर फाइनली सिलेक्टेड टू गो ऑन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ शिप। अब किसी को भी अगर चाहे बोले कि यू नो वड़ी उसको बोलते हैं वसीला, मैं अभिजीत सूद को जानता हूं, मेरे को ले लो, ऐसा नहीं होने वाला। वो वसीला बोलते हैं ना कि कॉन्टैक्ट लगा के, वो सिफारिश, हाँ सिफारिश बोल लो। बहुत पहले शिपिंग इंडस्ट्री में शायद वो काम करता था, अभी शिपिंग इंडस्ट्री बहुत कम्पिटिटिव हो गई है, देर इज लॉट ऑफ सप्लाई, डिमांड उतनी है नहीं, सो देर इज लॉट ऑफ इंटरव्यूज इवन मोर। इवन इफ एनीबडी नोज अ मास्टर मरीनर और ही नोज अ क्रूइंग सुपरिटेंडेंट और मैनिंग में जो काम करता है, ही विल, उसको भी उस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। यस हाँ, बस ये है कि यस हिज सीवी विल बी कंसिडर्ड, विल बी टेकन अप, but he will have to go through the procedure. तो देख लो भाई, 12th में मार्क्स लाना, स्पॉन्सरशिप लेना, सही तरीके से मेहनत करना सबके लिए जरूरी है। ये नहीं कि मेरा डैडी कैप्टन है, मेरा डैडी चीफ इंजीनियर है, मैं उसको जानता हूँ तो हो जाएगा, तो वो सब कुछ नहीं होने वाला है। द कैंडिडेट हैज टू बी डिजर्विंग, हैज टू बी इक्वली गुड, और उसमें अगर 10 कैंडिडेट हैं और 5 ही सीट है और 5 के पास जिसमें रेफरेंस है जिनका, तो उनका काम हो जाएगा, रेफरेंस का सिर्फ इतना ही मतलब होता है। अब यार बहुत लड़के लगे हुए हैं मर्चेंट नेवी में, किसी ने कॉमर्स ले लिया है, और रास्ता भी बताने वाले भटकाने वाले बहुत लोग हैं, बोलते हैं एजेंट के पास चले जाओ, इसके पास चले जाओ। तो ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो क्वालिफाइड नहीं है या उनके मार्क्स कम है, वो इतने डेस्परेट है कि करूंगा तो सिर्फ मर्चेंट नेवी ही करूंगा, यू नो अगर वो नहीं हुआ तो मतलब उसके पीछे टाइम वेस्ट कर दूंगा। तो मैंने भी बोला है कई बार कि यार सिर्फ मर्चेंट नेवी एक करियर नहीं, और भी करियर्स हैं, अगर आप क्वालिफाइड नहीं हो या आपका यहाँ पे काम नहीं हो रहा तो आप कंसिडर करो दूसरे करियर। तुम्हारा इस बारे में क्या? Shipping is not the end of the world. No doubt, it is a very rewarding profession. Adventure है, different profession है. You know, you get to see the world कह लो. आपको अलग-अलग लोगों से interact करने मिलता है. आप एक confined जगह पे काम नहीं करते हो. आप एक बहुत ही different atmosphere में काम करते हो. So yes, it is an attractive option. ये जरूरी नहीं है कि merchant navy
मिल गई और अनुवचनीय में जॉब मिल गई तो आपकी लाइफ सेट है, वो भी नहीं है. उसके अंदर भी अलग अलग स्ट्रगल है. देयर आर मेनी एग्जाम्स दैट यू हैव टू क्लियर, यू हैव टू फेस रफ वेदर, यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम फैमिली. देयर आर सो मेनी डिसएडवांटेजेस. जो आपको नॉर्मल शोर पे जो लोग काम करते हैं हु आर इन अदर इंडस्ट्रीज, दे डोंट हैव टू फेस दैट ट्रबल. उनके पास सोशल बैकअप होता है, उनके पास हेल्थ का इमीडिएट, यू नो, एनी काइंड ऑफ अर्जेंसी इमरजेंसी दे कैन गो टू हॉस्पिटल एनी टाइम देयर फैमिली नीड्स देम, दे आर अवेलेबल. ये सब एडवांटेजेस नहीं है व्हेन यू आर एट सी. यस, फॉलो योर पैशन, यू हैव इंस्पिरेशन, जैसे सुनील जैसे है, यू गेट इंस्पायर्ड, वेरी गुड. बट जस्ट इन केस इफ यू आर नॉट एबल टू मीट द क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, यू आर नॉट एबल टू पास इंटरव्यू, देयर इज नथिंग टू गेट डिसहार्टेंड. जब हमारे भी 12th में मार्क्स नहीं आए थे, मैंने तो सोचा भी नहीं था मैं मर्चेंट नेवी ज्वाइन करूंगा. हमारे भी शायद 95% नहीं आए तो मैं भी डिसअपॉइंट हो गया था. अरे अभी क्या करेंगे लाइफ में, अभी हम अभी मेरा बिल्कुल जो मेरे को करना था, मेरे को शायद बहुत बड़ा इंजीनियर बनना था या समथिंग, मे बी आई एम नॉट एबल टू डू, बट आई एंडेड अप इन अ वेरी गुड प्रोफेशन अनएक्सपेक्टेडली ऑलमोस्ट. तो ऐसे ही आपको डिसहार्टन होने की जरूरत नहीं है. जो भी आप काम करोगे, if you do it well, it will pay you well, it will give you a good trajectory in life. So just be positive and follow your passion, follow what you like, follow, don't just ऐसे भेड़ बकरियों की तरह मत करो कि मेरे दोस्त ने ज्वाइन किया तो मुझे भी ज्वाइन करना है. Exactly. अब मेरा इनसाइड, आई ऑलवेज वॉन्टेड टू मे बी बी इन द आर्मी, आई कुड नॉट डू इट, बट आई एम हैप्पी डूइंग व्हाट आई एम डूइंग. इट इज अ सिमिलर फील्ड, इट इज अ चैलेंजिंग फील्ड. ठीक है भाई लोग, तो अगर मर्चेंट नेवी में हुआ तो बहुत अच्छी बात है, सही रास्ते से हुआ तो बहुत अच्छी बात है. गलत रास्ते में मत पड़ो कि एजेंट के पास जाएंगे, ऐसे वैसे कैसे भी घुसेंगे, फिर बाद में ये हो जाएगा, वो सब नहीं होता है. सही रास्ते से जो लाइफ एक्स करियर है मेरे शोभित दोस्त, उनके चैनल पे पूरा इन्फॉर्मेशन है सही, आप वहां जा सकते हो. इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, शिप सेलर सुनील. यूट्यूब पे है ही हम लोग, इसको भी आप डीएम कर सकते हो, देखता नहीं है इंस्टाग्राम. अभिजीत सू 31 में डाल दूंगा लिंक में नीचे, तो डाल सकते हो. तो दुखी मत हो, अगर मर्चेंट में हुआ हुआ, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, और दुनिया में बहुत काम है करने के लिए. ठीक है, आप किसी ना किसी और काम के लिए भी पैशन अपना जगा लोगे और एक खुश और अच्छी जिंदगी आप जियोगे, वो तो इंसान पर डिपेंड करता है यार. सेम सिचुएशन में मर्चेंट में बहुत सारे लोग हैं जो 20 साल से सेलिंग कर रहे हैं, बोल रहे हैं मेरा लास्ट शिप है, लास्ट शिप है, लास्ट शिप है, और दुखी है, और जूनियर्स को भी नेगेटिविटी फैला रहे हैं. तो हर जगह आपको पॉजिटिव और नेगेटिव वाले लोग मिल जाएंगे जो प्रोफेशन को अच्छा बुरा बोलेंगे, आपके ऊपर है. अब आप मेरे वीडियो देखोगे तो आपको लगेगा कि पॉजिटिव ये है, खुश है, सब अच्छी चीजें दिखाता है, क्योंकि मैं एक्चुअली खुश हूँ. तो वैसे एक्चुअली लोग दुखी भी हैं. विद दैट वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे. अभिजीत, एनीथिंग फ्रॉम योर साइड क्लोजिंग? नो दैट्स इट. इट वाज बहुत अच्छा लगा आपके साथ शेयर करके. मैं सुनील काफी टाइम से बात कर रहे थे, एक वीडियो बनाएंगे, आज हमें मौका मिल गया. सो थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू फॉर वॉचिंग. इसी के साथ दोस्तों, स्टे फिट. जय हिंद. आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वन.